संस्कृति की आत्मा तक नहीं पहुंची। हमने सभी को स्वयं में समाहित कर खुद को सबसे अलग बना लिया। यही सबसे अलग होने की प्रवृत्ति और संस्कृति की उसी आत्मा को आधार बांधकर आजादी के शताब्दी वर्ष में अपने सपनों का हिंदुस्तान बन रहा हूँ। कभी दुनिया के रहमो करम पर अपना पेट भरने वाला एक देश हरित क्रांति के बाद दुनिया की थाली में रोटी पहुंचाने लगा। आज अर्थव्यवस्था के मामले में, विदेशी पूंजी भंडार के मामले में हम दुनिया के शीर्ष राष्ट्रों, हम अपने उपग्रह के हिस्से, पहले उपग्रह के हिस्से साइकिल पर लेकर चले थे, आज मंगल ग्रह तक पहुंच गए। लेकिन क्या विकास की परिभाषा यहीं तक सीमित है? जी नहीं, आधुनिकता की किसी गरीब गली की अंधी किसी अंधेरी गली की गरीब झोपड़ी में आज भी भारत भूखा सोता है। सुश्रुत और चरक के इस देश में आज भी किसी सुदूर ग्रामीण इलाके में हिंदुस्तान इलाज के अभाव में दम तोड़ देता है। तो मैं इन वंचित लोगों को अपनत्व और विकास की डोर से बांधकर उनकी आंखों से देखा हुआ हिंदुस्तान निर्मित करना चाहता हूं। मित्रों, मैं एक ऐसा देश बनाना चाहता हूं जो किसान के पसीने से हो, जो देश के जवानों के लहू से हो, जो गांव की कच्ची सड़कों का हो तो दिल्ली के राष्ट्रपति यानी कि कर्तव्य पथ का भी हो। एक ऐसा भारत जो भ्रष्टाचार, संप्रदायवाद, जातिवाद, इन तमाम आधारभूत समस्याओं से निजात पाकर मानव मात्र के कल्याण की चिंता करे, जहां प्रकृति की फिक्र हो, हर जीव की चिंता हो। हमारे लिए महाशक्ति होने का अर्थ सिर्फ हथियारों का बड़ा जखीरा नहीं, बल्कि अपने सीमा में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति के सुख, शांति और समृद्धि को सुनिश्चित कर राष्ट्र में वैश्विक शांति की स्थापना करना, क्योंकि हमारी संस्कृति में हमें सिखाया गया है वसुधैव कुटुंबकम। तो हम अपने सपनों के भारत के साथ इतना सस्ता समझौता नहीं कर सकते कि हम अपने सपनों को सिर्फ अपने राष्ट्र की सीमाओं के भीतर रखें। संपूर्ण वैश्विक मानव सभ्यता का उत्थान करना ही हमारे सपनों का भारत होगा। लेकिन समस्याएं तो हमने गिना दी, सपने भी बोल लिए, आखिरी किंतु सबसे महत्वपूर्ण कि समाधान क्या है? दुनिया की समस्त समस्याओं का एक सार्वभौमिक समाधान है, वो है शिक्षा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो भी पिएगा दहाड़ेगा। आप सारी समस्याएं भूल जाइए, सिर्फ राष्ट्र को शिक्षित कर दीजिए, राष्ट्र अपने आप सारी समस्याओं का समाधान ढूंढ लेगा। दूसरा, इस देश के युवा, लेकिन युवा कैसे, जो शारीरिक, मानसिक और सबसे महत्वपूर्ण चारित्रिक रूप से उच्च कोटि के हों, क्योंकि युवाओं के चरित्र से ही राष्ट्र चरित्र निर्माण होता है। और इस मानसिकता से आज बाहर निकलने की आवश्यकता है कि देश के विकास की चिंता करना सिर्फ सरकारों का काम है। जी नहीं, अपनी राष्ट्रीयता भारतीय लिखने वाले प्रत्येक शख्स की जिम्मेदारी है कि वो राष्ट्र के विकास के लिए कार्य करे। क्योंकि मैं आपसे पूछता हूं कि यदि एक राष्ट्र 140 करोड़ के लिए कार्य करे, तब विकास की कैसी दशा होगी? और 140 करोड़ मिलकर एक राष्ट्र के विकास के लिए कार्य करें, तब दिशा और दिशा क्या होगी? इन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर के बीच टिका है मेरा 2047 के सपनों का भारत। पूछा था कभी हिटलर ने मेजर ध्यानचंद से कि आप अपने देश में सूबेदार पद पर हैं, अरे आइए मैं अपनी सेना का सर्वोच्च पद दूंगा। बस जर्मनी के लिए हॉकी खेलना शुरू कर दीजिए, आपके देश ने आपके लिए किया ही क्या है? उसके बाद उस महाभारती के लाल ने उस तानाशाह के आगे जो जवाब दिया, वो आज की तारीख में हिंदुस्तान के प्रत्येक युवा के जीवन में देशभक्ति की परिभाषा की पराकाष्ठा है। उन्होंने कहा कि ये मेरे देश की जिम्मेदारी नहीं कि वो मेरे लिए कुछ करे, ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं अपने देश के लिए क्या कर सकता हूँ। और गरीब परिवार में पैदा होना बुरी बात नहीं, गरीब परिवार में मर जाना बुरी बात है। हमने देश के इन हालातों में जन्म लिया, हमारे पूर्वजों ने क्या किया इससे फर्क नहीं पड़ता, फर्क इस बात से पड़ता है कि हम इस देश के लिए क्या कर सकते हैं। और आप उंगलियों पे गिन लीजिए, साहित्य, संगीत, सामर्थ्य, संस्कृति, संस्कार, इन मामलों में हम दुनिया में किसी से पीछे नहीं। आपको प्रेरणा के बाहर जाने की भी आवश्यकता नहीं है। यूटोपिया की कल्पना 16वीं शताब्दी में टॉमस मूर ने यूरोप में की थी, हमारे यहाँ राम राज्य के उदाहरण हमारी कल्पना की तारीखों से भी प्राचीन है। तो आइए हम मिलकर अपने सामर्थ्य से अपने राष्ट्र का निर्माण करते हैं और वैश्विक फलक पर इस देश को विश्व गुरु, वैश्विक और वैश्विक अभिभावक के रूप में स्थापित करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय महामना।